क्या क्या है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है दिल्ली को एक सिटी ऑफ लेक्स बनाने का, उसके तहत दिल्ली की तमाम वाटर बॉडीज और लेक्स को रिजुविनेट भी कर रही है, उसकी साफ सफाई कर रही है और उन्हें वास्तव में एक लेक्स के रूप में तब्दील कर रही है। इसी श्रृंखला में हमारा संजीवन लेक एक महत्वपूर्ण वाटर बॉडी है, उसे पूरी तरीके से रिजुविनेट किया गया और उसे साफ किया गया और इसके लिए एक बहुत ही शानदार एरिएशन टेक्निक और उसके साथ साथ फ्लोटिंग राफ्टर, जिसे फ्लोटिंग वेटलैंड्स कहते हैं, उसे इंस्टॉल किया गया। ये दोनों टेक्नोलॉजीज, एरिएशन और फ्लोटिंग वेटलैंड, इन दोनों का मिक्सचर उस वाटर बॉडी में लागू किया गया, जिसके चलते एक सिनर्जेटिक इफेक्ट हमें नजर में आ रहा है। मैं सरल भाषा में समझाऊं तो ये जो एरिएशन टेक्नोलॉजी है, ये जो ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन होता है पानी का, जैसे कि अमोनिया आता है, बीओडी लेवल्स गंदे हो जाते हैं, सीवर का पानी आ जाता है, उसको ठीक करता है ये एरिएशन टेक्नोलॉजी। जो अभी पूरी तरीके से अभी लागू नहीं किया गया, अभी वो भी प्रोसेस में वहां पे करने हम जा रहे हैं, 100% नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में और बेहतर करेंगे। और जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, जो फ्लोटिंग वेटलैंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम राफ्टर्स वहां पे इंस्टॉल कर देते हैं, उससे फॉस्फेट और नाइट्रेट जैसे जो सब्सटेंसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो पानी साफ हो जाता है। तो कंटेमिनेटेड वाटर था इस पूरी लेक में, लगभग सरल भाषा में समझाऊं तो 6,000 स्क्वायर फीट के आसपास का पूरा इलाका होगा लगभग उस लेक का। और ये दोनों टेक्नोलॉजीज करने की वजह से वो लेक एक खिलकर निखर कर आया है। अक्सर हम अपनी वाटर बॉडीज और लेक्स को इन सीटू ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अगर वहाँ बहुत खाली मैदान है तो कहीं वहाँ पे एसटीपी लगा दिया, क्लीनिंग यूनिट लगा दिया एक्सेट्रा, बिकॉज यहाँ पे जमीन इतनी उपलब्ध नहीं थी, तो हमने एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन इत्याद किया जिसमें फ्लोटिंग राफ्टर्स और एरिएशन टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन कर कर एक बहुत सुंदर संजीवन लेक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार किया गया है। आने वाले समय में हम कई सारी ऐसी वाटर बॉडीज हैं, लगभग 250-55 के आसपास वाटर बॉडीज हैं, 15-18 के आसपास लेक्स हैं, इन सबको अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी के जो एक विजन है सिटी ऑफ लेक्स, उसके तहत आने वाले समय में बहुत बेहतरीन तरीके से लागू भी करेंगे, साफ सफाई कर कर उसे एक अच्छे लेक की तरह जो पहले हुआ करता था उसमें तब्दील करेंगे।